जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडलियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्मी एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो स्पेशली सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती को लेकर है, इसके रिजल्ट का जो आप इंतजार कर रहे थे, आज उससे संबंधित मैं आपको सारी अपडेट देने वाला हूँ। किसका रिजल्ट कब आएगा, कहाँ से आपको देखना, अभी इसकी सारी साइड में आपको बताऊंगा और कहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो रहा वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसी प्रकार से आपको सर्च करते जाना है। हम किस भर्ती की बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार, हम भर्ती की बात कर रहे हैं जो 9212 पोस्ट पर ये भर्ती थी, अब रह गई है 8342 पर। मैंने ये वीडियो जो पिछला बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें पूरे ट्रेडों की सारी जानकारी दी हुई है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस भर्ती की सारी इंफॉर्मेशन उसमें बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है कि किस ट्रेड का कैसे टेस्ट होगा, कितनी उसकी कट ऑफ रहेगी, क्यों रहेगी, इसके बारे में सारी जानकारी। लेकिन पिछले वीडियो में ये कमेंट बहुत ज्यादा थे कि सर ये वैकेंसी 8342 पोस्ट की कैसे हो गई, तो मैं आपको बताऊं, इसमें पोस्टें डिक्रीज हुई है और अक्सर ऐसा होता है या तो पोस्टें बढ़ जाती है या डिक्रीज होती है, लेकिन ट्रेडमैन की अक्सर भर्तियों में पोस्टें कम ही होती है, एसएससी जीडी की तरह बढ़ती कम है। एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन था कि सर इसका रिजल्ट किस डेट को आएगा, ठीक है, उसके अलावा सबसे जरूरी पॉइंट कट ऑफ को लेकर काफी, मैंने जब कट ऑफ के आंकड़े बताए थे तो उससे कई बच्चे जैसे असहमत भी हो रहे, तो मैंने आपको बता दूं, मैंने यह बताया था विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नहीं, ये रोमार के हिसाब से बताया मैंने, गूगल फॉर्म पे जो नंबर लिए बच्चों से उनके आधार पर, आप भी अपने नंबर दे सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा कमांडो एकेडमी के नाम से, उस पे मैं कल पोल क्रिएट करूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना और उस पोल में आप अपने नंबर बताना, उसके आधार पर फिर से एक बार मैं आपको जो आंकड़े हैं और ला दूंगा। ये लगभग 2000 बच्चों के आंकड़ों के आधार पर ये पूरी मैंने कट ऑफ आपको बताई है। साथ ही एक चीज और बता दूं, जो बच्चे एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं स्पेशली उसके लिए हमारी ये दोनों बुक अभी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, एसएससी जीडी ओल्ड पेपर की और सामान्य जीके के लिए, सामान्य ज्ञान की, ये बुकें आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, बहुत ही तगड़ी बुकें हैं। जो भी बच्चा एसएससी जीडी की टारगेट कर रहा है वो इन बच्चों को भी इन बुकों को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त बुकें हैं ये, गारंटी है मेरी इन बुकों की। इसमें एक में पूरा का पूरा एसएससी जीडी 2023 में आए हुए पूरे प्रश्न पत्र है। तो देखो लाडलो, जनरल की मैंने बताई थी 65+, ये रो मार्क, ओबीसी की मैंने आपको बताई थी 60+, ईडब्ल्यूएस की भी मैंने 60+ ही बताई थी, ध्यान रखना, एससी की बताई थी 55+ और एसटी की बताई थी 42+। यानी अब नॉर्मलाइजेशन से अगर ये आगे बढ़ती है वो बात अलग है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि किसी बच्चे कितने भी बढ़ सकते हैं, तो वो हम पहले नंबर नहीं ले रहे हैं, जब नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आएगा उसके बाद में उसके आधार पर भी अगली मेरिट बताएंगे। अभी ये रो मार्क के हिसाब से, यानी जो बच्चे ट्रेड के लिए और फिजिकली के लिए क्वालिफाई होंगे उनका। अब रिजल्ट डेट की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं लाडलू, अगर आप सर्च करोगे सीआरपीएफ रिजल्ट, यहां पर क्लिक करोगे, जैसे ही यहां पर क्लिक करना, यहां क्लिक करके यहां पर कोने में आपको सर्च करना है, देखो यहां पर आपको सर्च करना है सीआरपीएफ, क्या है, ट्रेडमैन है ना, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है। इस प्रकार से जो आप सर्च करोगे और इसमें सर्चिंग में लगाओगे तो देखो अभी क्या लिखा हुआ है, अबाउट सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 0 रिजल्ट फाउंड। यहां पर जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका फिर रिजल्ट यहां पर शो होने लग जाएगा। अब ये कब तक शो होगा तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिजल्ट है ये आपका शो हो जाएगा लगभग 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। ज्यादा चांस कब तक है, 20 सितंबर के आसपास के। अगर आप ये पूछोगे कि ज्यादा चांस किसके, तो 20 सितंबर के ज्यादा चांस है आपके रिजल्ट आने के, 20 सितंबर से आसपास में आपका रिजल्ट इसका ट्रेडमैन का लगने वाला है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम मान लो डिले भी चलते हैं तो 25 सितंबर तक ये रिजल्ट जा सकता है। तो जो भी बच्चे हैं ध्यान रखना, एक बात और, इसका ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट दोनों साथ ही होंगे, ठीक है, ट्रेड टेस्ट के नंबर भी इसमें 50 और फिजिकल आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य है, तो अपनी फिजिकल की भी तैयारी रखें और ट्रेड की भी, ठीक है। और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रेडमैन की किसी भी भर्ती से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए लाडनो। जय हिंद, जय भारत।